वेलकम बैक टू मनीषाज व्लॉग। सो आज हमारा सडन प्लान बना है, काफी दिनों के बाद हम ट्रिप पे जा रहे हैं। मतलब एक टाइम ऐसा था कि मैं हर वीकेंड को ट्रिप पे जाती थी, बट अब आई डोंट नो व्हाई, बट हम कहीं भी नहीं निकल पाते। आई थिंक लाइफ बिजी हो गई है इसलिए। सो ये मुझे भी नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको जाके बताऊंगी। हम हिमाचल ही जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये बहुत सडन प्लान है और देखते हैं, काफी मजा आने वाला है। तो मैं पूरा व्लॉग बनाऊंगी और आपको सब कुछ दिखाऊंगी। सो फाइनली हम आ गए हैं हिमाचल, और अभी भी मैं ये नहीं बताऊंगी कि हम हिमाचल में कहाँ जाने वाले हैं, बट दिल्ली से हिमाचल आने में हमें करीबन 7 घंटे लगे हैं, 7 या 6 घंटे। बीच में हम मुरथल भी गए थे, मुरथल के हमने पराठे खाए, यम यम। उसके बाद फिर हमने कंटिन्यूस ड्राइविंग की, जिसमें मैं भी ड्राइविंग की हूँ थोड़ा बहुत, मुझे अच्छा लगा, चलो मेरा भी कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ था। अब मैं आपको दिखाऊंगी प्यारा सा व्यू, बहुत सुंदर वेदर हो रहा है, ठंड हो रही है और बहुत सुंदर मॉर्निंग है। लेट मी सी यू। OMG, वाओ। बस यही कारण है कि मुझे बाहर आना इतना ज़्यादा पसंद है। वाओ, इससे बेस्ट मॉर्निंग क्या होगी। वाओ, यहाँ मैं पहले भी आ चुकी हूँ और अब हम जहाँ जा रहे हैं बस इसी रास्ते से होके हमें जाना है। और अभी मैं जिस पूल पे हूँ, ये पूल पहले टूट भी चुका है, बट सो फाइनली हमारा ट्रैक स्टार्ट हो रहा है। हम पहुंच गए हैं सांजी वैली और हम वाटरफॉल का ट्रैक कर रहे हैं। आप सांजी वैली आते हो तो आपको सबसे लास्ट विलेज आना है, यहाँ पे वाटरफॉल है, और इसके लिए आपको बहुत लंबा ट्रैक करना पड़ेगा। और कोशिश करें कि आप अपने साथ अपना ड्राइवर और गार्ड लेके आएँ, क्योंकि कोई नहीं है इस वैली में, बहुत कम लोग हैं, गाँव के लोग हैं जो कि ऊपर नहीं जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा सेफ्टी लेके चलना चाहती है तो अपने साथ ड्राइवर और गार्ड जरूर लेके आओ। सो हम आ गए हैं सांझगढ़ के सांझ वैली में। यहाँ मैं 12 बजे आ गई थी, उसके बाद मैं ट्रैक के लिए गई। ट्रैक करने के बाद हमने यहाँ पे होटल बुक किया और फिर हमने किया 2-3 घंटे जम के स्लिप, क्योंकि ओवरनाइट ड्राइव के बाद, ओवरनाइट ट्रैवल करने के बाद हिम्मत नहीं होती कि आप कुछ भी करो। सो उसके बाद हमने प्लान किया कि हम कुछ देर का नैप लेंगे। शाम में उठने के बाद हमने किया बॉनफायर पार्टी और हमने डिनर किया, और बस अब सोने की प्लानिंग। अब कल देखते हैं हम क्या क्या घूमने वाले हैं। फ़िलहाल मैं सांझगढ़ में हूँ, जो कि सांझ वैली में है। ये बेहद खूबसूरत जगह है गाइस, अगर आप मिनी स्विट्ज़रलैंड इसको कह सकते हैं। मतलब ग्रीनरी और पहाड़ मेनली बहुत खूबसूरत है। वन मोर थिंग गाइज, यहाँ पे काफ़ी सारे होटल ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको आने से पहले बुकिंग कर लेना होगा, क्योंकि बुकिंग के बाद ही आपको एक्सेप्ट करेंगे। होता है ये है होटल्स में कि अगर आप ये विदाउट बुकिंग आपको अलाउड करते हैं, अगर फिर कोई बुकिंग कर लेता है तो इन्हें प्रॉब्लम होती है। मोस्टली यहाँ बुकिंग के बाद ही अलाउड है, सो आपको बुकिंग करके आना चाहिए एडवांस में। वन मोर थिंग, जो भी होटल्स के फ़ोटोज़ आप देखो उस पर ट्रस्ट मत करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ़ोटोज़ सेम होती है, लेकिन जो लाइटिंग वगैरह आप देखते हो वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। एंड रास्ते की बात करूँ मैं तो रास्ते अच्छे थे, लेकिन विंटर्स में, मतलब मैं अवॉइड करूँगी यहाँ दिसंबर में आना, जैन में आना, दिसंबर टू फैब यहाँ आना इम्पॉसिबल है। आज का दिन हमारे लिए बस कुछ ऐसा ही रहा, जिसमें हमने ट्रैवल किया, ट्रैक किया और पार्टी की, मस्ती की,
कल थोड़ा हम एक्सप्लोर करेंगे, कल यहाँ के लोकल मार्केट भी जाएंगे, लोकल लोगों से मिलेंगे, लोकल खाना खाएंगे, आज भी हमने ट्राई किया। सो कल भी होगा फन। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं कोशिश करूँगी कि मैं व्लॉग डेली बना पाऊँ। सी यू गाइज़।